जय हिंद साथियों, आज हम लोग पर्यावरण की स्पेशल सीरीज में सबसे पहले हम क्या करेंगे, तथ्यों को पढ़ेंगे, नोट्स के आधार पर व्याख्यात्मक पढ़ेंगे, उसके बाद इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक को हल करेंगे, जहां से आपके परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहेगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा। बड़ा होने का कारण ये है कि सीरीज होगी, पहले उसके तथ्य पढ़ेंगे, उसके महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उससे जुड़े हुए जो परीक्षा वाले प्रश्न होते हैं, जो ई-लर्निंग दुर्गेश पर भरोसा आपका है, तो मैं अपने बचे हुए समय में आपको निःशुल्क सीरीज उपलब्ध करा रहा हूं। तो जी हां मेरे प्यारे साथियों, यहां पर है जैव विविधता, आज का टॉपिक है बायोडायवर्सिटी। तो पहला ये टॉपिक आता है कि ये किसे कहते हैं, माने किसी भी प्राकृतिक प्रदेश या बायोम में मिलने वाले जो पौधे होते हैं, जंतुओं की प्रजातियों की जो विविधता होती है, उन्हें क्यों हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता का अगर प्रयोग देखा जाए तो वन्य जीव वैज्ञानिक रेमंड दासमान को प्रोत्साहित एक उनकी पुस्तक थी द डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री में उन्होंने किया था। लेकिन किसी भी स्थान पर पाया जाने वाला जीव वहाँ के पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र में आपसी सामंजस्य बनाकर रहता है, जिसे हम जैव विविधता कहते हैं या जिसे हम जैव विविधता कहा जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता है वो विषुवत रेखा के पास मिलती है, मतलब ये हो गया हमारा 0 डिग्री, ये भूमध्य रेखा हो गया, ये 0 डिग्री हो गया। यहाँ से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे का जो क्षेत्र होता है, ध्यान रहे, इसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहते हैं, इसके और ढेर सारे नाम हैं जो आगे हम प्रश्न में देखेंगे। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं, माने इसी क्षेत्र को कई नामों से जानते हैं। और यहाँ पर दुनिया की, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की सबसे ज़्यादा जैव विविधता बायोडायवर्सिटी मिलती है। यहाँ से परीक्षा प्रश्न आपके एकदम आने रहता है। और ज्यों ज्यों हम इस भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, इधर ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, जैव विविधता क्या होगी, लगातार कम होती जाएगी, जैव विविधता में ह्रास होता जाएगा, माने ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ेंगे जैव विविधता कम होती जाएगी। अगर एक बात स्पष्ट है कि भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक जैव विविधता होती है, ध्रुवों पर कम, लेकिन इसका विपरीत भी सदैव सत्य होता है। जैसे अगर हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ रहे हैं तो जैव विविधता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और सर्वाधिक जैव विविधता आपके कहाँ पर मिलेगी, यह आपके इन क्षेत्रों में, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में मिलेगा। मतलब यह एक रट लीजिएगा, एक प्रश्न आपके परीक्षा में यहाँ से फिक्स है। यहाँ पे एडमिक प्रजातियों में जो विशेष जीव के आधार पर भारत का विश्व में 11वां स्थान है। देखिए ये डाटा प्राय आगे पीछे होते रहते हैं, हो सकता है जिस जो डाटा 11वां है, कभी 10वां, कभी 12वां, कभी 15वां, तो ये डेटा जो है आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे पीछे होते रहते हैं। तो दुनिया में भारत का स्थान 11वां। मेरा सवाल आपसे है कि दुनिया में जैव विविधता सबसे ज़्यादा किस देश में है, सभी साथी कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, चाहे ई-लर्निंग दुर्गेश ऐप पर देख रहे हैं, ये देशित में आपके लिए है। आइए यहाँ पे और आगे देखते हैं, जैव विविधता अधिनियम 2002। वैसे अगर जैव विविधता अधिनियम की बात करें तो जैव विविधता अधिनियम 2002 में आता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पर है, ये 2003 में चेन्नई में। मतलब ये प्रश्न आपके परीक्षा में आता है, रट लीजिए, ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय जैव विविधता जो प्राधिकरण है वो कहाँ पर है, चेन्नई में है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो एकदम राइट आंसर है 2003 में। मेरा सवाल आपसे है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, मैंने पूछा कि जैव विविधता में दुनिया में कौन सा देश सर्वोपरि है और भारत में कौन सा है, दोनों के अलग अलग जवाब हैं। कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा, अभी तक सही जवाब किसी के नहीं आए हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमने देखा कि जो जैव विविधता होती है ये किसने आधार पर होती है, तीन आधार पर होती है, पहला जीन के आधार पर, दूसरा प्रजाति के आधार पर, तीसरा पारिस्थितिकी के आधार पर। माने जैव विविधता को हम तीन तरह से क्लासिफाई, मतलब ये शॉर्ट नोट्स है जो आप ई-लर्निंग दुर्गेश से प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे। जी हाँ, देखिए अगर हम जीनी के बारे में बात करें, माने यहाँ पे जीन है, प्रजाति है, उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र है, ये तीन प्रकार के हैं, ठीक है। आइए तीनों के बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। पहला जीन में क्या होता है, माने इसे हम एक और नाम से जानते हैं, अनुवांशिक विविधता। किस नाम से जानते हैं, अनुवांशिक विविधता के नाम से भी हम जानते हैं। किससे, इसे एक नाम से और जानते हैं, अनुवांशिक, माने अनुवांशिक जैव विविधता के नाम से जानते हैं या विविधता के नाम से जानते हैं, माने अनुवांशिक जो विविधता केंद्र की जीनों जो क्रोमोसोम है इनमें
विभिन्नों द्रव्य जीनों के कारण उत्पन्न होती है, मतलब अनुवांशिक विविधता को एक जीव या वनस्पति के जीन के स्तर पर विभिन्नता और अंतर के रूप में देखा जाता है। माने एक जाति या इसकी एक समिष्टि में कुल अनुवांशिक विविधता जीन पुल भी कहलाती है। अनुवांशिक विविधता कम होने की दशा में जातियों में अधिक समानता पाई जाती है। अनुवांशिक विविधता एक जाति के सदस्य पाई जाने वाली जीन संबंधी विविधता है, ये जीवों के स्तर पर होती है। किस स्तर पर? जीवों के स्तर पर होती है, याद रहे, किसके? जीवों के स्तर पर होती है। क्योंकि अब की बार एक सीट हमार प्रजाति देखते हैं। प्रजाति विविधता क्या होती है? माने यह विभिन्न जातियों के बीच पाए जाने वाली विविधता है। अगर हम देखें तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में प्रजाति विविधता अन्य भौगोलिक प्रदेशों की अपेक्षा अधिक, मतलब अगर यहां पर हम देखें, यहां पे 0 डिग्री के पास सबसे ज्यादा आपको मिलता है। कैसे? जैसे यहां पे ढेर सारे घास पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, उसमें अगर मैं टिड्डा की बात करूं, छोटा टिड्डा, बड़ा टिड्डा, हरा टिड्डा, पीला टिड्डा, नीला टिड्डा, छोटी टांगला टिड्डा, बड़ी टांगला टिड्डा, छोटी मूंछ वाला टिड्डा, बड़ी मूंछ वाला टिड्डा, छोटी टांगला टिड्डा, बड़ी टांगला टिड्डा, माने टिड्डों में भी प्रजाति। माने यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र पे अगर स्तर पे देखा जाए, पारिस्थितिकी स्तर पर देखा जाए, तो यहाँ पर हम ढेर सारे, मतलब भूमध्य रेखा के पास प्रजाति विविधता अन्य जगहों की अपेक्षा सर्वाधिक देखने को मिलती है। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसा नहीं कटेगा, जितने भी साथी देख रहे हैं पैसा नहीं कट रहा है, चाहे इसे लाइव देख रहे हैं चाहे इसे बाद में देख रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि चीजों की समुदाय में प्रजाति की संख्या क्षेत्र या स्थान के क्षेत्रफल के सापेक्ष ये बढ़ती है। अगर भारत की बात करें तो भारत का जो मानसूनी प्रदेश है वहाँ पे प्रजाति जैव विविधता ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। जहाँ पे बर्फ गिरते हैं वहाँ पे कम, माने गर्म, मतलब जहाँ पे वर्षा की मात्रा ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा। आइए अब आते हैं पारिस्थितिकी विविधता की बात करते हैं, ये पारिस्थितिकी स्तर पर होती है। अब पारिस्थितिकी विविधता क्या होती है, इसे हम देखें तो सामुदायिक विविधता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामुदायिक, इसका एक नाम और भी है, इसे हम सामुदायिक या परितंत्र विविधता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे परितंत्र विविधता के नाम से भी जानते हैं। माने विश्व में विभिन्न प्रकार के आवास पाए जाते हैं, जैसे घास का मैदान हुआ, झील हुआ, तालाब का परितंत्र हुआ, पर्वतीय तंत्र हुआ, मरुस्थलीय क्षेत्र हुआ। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र ये महाद्वीप स्तर पर मिलते हैं। किस स्तर पर? महाद्वीपीय स्तर पर, ठीक है, अब याद रहे। अब यहाँ पर और चीज़ अगर हमारे लिए पढ़ने लायक हैं तो जो सामुदायिक जैव विविधता ज़्यादा उत्पादक और परितंत्र का निर्माण करती है। विभिन्न जो विविधता, सामुदायिक विविधता, ये परितंत्र विविधता, जैसे जब एक समुदाय के जीव जंतु वनस्पति एक दूसरे के समुदाय के जीव जंतु वनस्पति के मध्य पाई जाने वाली विविधता जो होती है, ये सामुदायिक विविधता या परितंत्र विविधता कहलाती है। चलते हैं, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं जीवों का संरक्षण, जीवों का संरक्षण कैसे करते हैं। आइए इस बात पर, देखिए अभी मैं सीरीज पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद इससे जुड़े हुए प्रश्न को भी हल कराऊंगा, ठीक है। हाँ, आप लोग हल करिएगा और प्ले स्टोर से इलेनी बिद्रगेस का ऐप भी डाउनलोड करके रखिएगा, वहाँ आपको आराम से हमेशा मिल जाएगा। जीव का संरक्षण एक स्वस्थाने होता है जिसे हम इंसिटू कहते हैं, परस्थाने होता है जिसे एक्सिटू कहते हैं। माने यह जो टॉपिक है इसके बारे में जरूर जानना चाहिए, परीक्षा में सवाल आते हैं। अब स्वस्थाने में क्या होता है, आइए देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, जीव का संरक्षण क्या होता है, स्वस्थाने माने जीवों को अपने आवास पर ही सुरक्षित रखना, इस स्वस्थाने के अंतर्गत आते हैं। इनमें राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, जैव विविधता, क्षेत्र जंगल, माने उनका जो स्थान है उसी स्थान पर उन्हें सुरक्षित रखने को यही कहलाता। क्लियर? या किसी के मन में कोई सवाल है या ऐसी किसी के मन में कोई प्रश्न है तो जल्दी से पूछ सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जो रेस के घोड़े होते हैं ये हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सब तो पहले से रेस के घोड़े हैं। अब यहाँ पे अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, इसे हम नेशनल पार्क कहते हैं। माने राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की जो शक्ति होती है ये राज्यों के प्रदान की गई है। ये परितंत्र क्षेत्र में जंतुओं, वनस्पति, भू आकृतियों, जल के जो महत्व होते हैं उनका संरक्षण किया जाना जरूरी है। ऐसे क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान राज्य सरकार घोषित करती है। जी हाँ, ये आप लोग जानते रहिएगा। फिर अभ्यारण क्या है, अभ्यारण के बारे में बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट करके। अरे भारत में राष्ट्रीय उद्यान पहला कौन सा था? जिम कार्बेट, उत्तराखंड में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर, लेह जनपद में है, अब तो लद्दाख में चला जाएगा।
जिम कार्बेट का पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। भारत का सबसे छोटा राष्ट्र उद्यान साउथ बटन है अंडमान निकोबार द्वीप में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्र उद्यान केबू लामजाओ मणिपुर में है। भारत में कुल 105 है, भारत में देखा जाए कितने हैं, 105 राष्ट्रीय उद्यान। अब आते हैं वन्य जीव अभयारण्य की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं, यानी कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पर्याप्त जैविक भूआकृति जीव जंतु वनस्पतियाँ इनकी बहुलता मिले, राज्य सरकार अन्य जीव अभयारण्य जो वन्य जीव अभयारण्य है वो घोषित कर सकती है। भारत में अगर देखा जाए तो जो वन्य जीव अभयारण्य है इनकी संख्या 532 है। कितनी है? 532 है। अब जैव विविधता की बात करते हैं, ये जैव विविधता इसे बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं, मतलब 1971 में मानव एवं आरक्षित जैवमंडल कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया गया। यह अंतर सरकारी वैज्ञानिक प्रोग्राम था। जैवमंडल जो रिजर्व है इस प्रथम जैवमंडल रिजर्व 1979 में स्थापित किया गया और वर्तमान में अगर देखा जाए तो 669 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो 120 देशों में स्थापित किए जा चुके हैं। भारत में कितने हैं कमेंट करके जवाब दीजिएगा। इसमें क्या होता है, संरक्षण होता है, विकास होता है, लॉजिस्टिक होता है, ये चीज़ें आप लोग को हमेशा याद रखनी होंगी, इन चीज़ों को हमेशा जानते रहना होगा। एक होता अगला पर स्थाने एक्सीटू, एक्सीटू का होता है जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, माने कृत्रिम तरीके से बचाने की कोशिश, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्षेत्र जंगल क्या है, जैसे जहाँ जो क्षेत्र जंगल है वहाँ पे भी सुरक्षित रह सकते हैं जानवर। अब यहाँ पे हमने देखा इसमें क्या होती है, वनस्पति उद्यान चिड़ियाघर, माने अलग से कहीं कृत्रिम जगह ले जाके बचाने को हम पर स्थाने के नाम से जानते हैं, नर्सरी हर्बेरियम बीज बैंक अंडे बैंक टिश्यू कल्चर क्लोनिंग। तो ये स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक्सीटू है, निम्नलिखित में से कौन सा इनसीटू है, निम्नलिखित में कौन स्वस्थाने हैं, निम्नलिखित में से कौन परस्थाने हैं, कौन सा नहीं है, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में प्राय पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। जी हाँ, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है मेरे प्यारे साथियों, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें आपकी मर्जी। अब यहाँ पे देखेंगे दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया, माने प्रत्येक वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऊपर मैंने पूछा, जी हाँ जैव विविधता दिवस दो होता है, एक राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भी होता है, राष्ट्रीय जैव विविधता। लिखना चाहे लिख लीजिएगा, आपके ऊपर है, क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण सवाल है। दिवस ये कब मनाया जाता है कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, यह भी आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। ये ऐसे तीन टॉपिक है मेरे प्यारे साथियों जो आपके एक नंबर तो फिक्स आते हैं, ये तीनों को आपको याद रखना है, तीनों किसके बारे में बात करनी है। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लिया आप लोगों ने, वीडियो को शेयर कर लिया, जितने लोगों ने वीडियो को शेयर किया उनको थैंक यू। राष्ट्रीय जैव विविधता कब मनाते हैं जवाब दीजिएगा, ये 23 मई नहीं है, ये 22 मई तो अंतर्राष्ट्रीय वाला है, नहीं अंतर्राष्ट्रीय है। चलिए अब आते हैं जैव विविधता की मापन की बात करते हैं, कैसे इसको मापा जाता है। बार बार जैव विविधता मापन, इसमें अल्फा अल्फा ठीक है, बीटा गामा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा तीन हो गए। आइए इनके बारे में जान लेते हैं, तीनों क्या क्या चीजें हैं। ये यहां से एक सवाल आपकी परीक्षा, ये लाइव क्लास चल रही है आपकी, हाँ इसे बाद में भी देख सकते हैं आपकी मर्जी है। तो यहां पर हमने ये देखा कि ये कितना ट्रेंडिंग है, कितना बेहतर पूछा जाता है, इनके बारे में बताएं।
देखिए इसमें जैव विविधता क्षेत्र, ये भी जैव विविधता क्षेत्र, ये भी मतलब अल्फा बीटा गामा, ये ध्यान दीजिएगा, ये ट्रेंडिंग सवाल है, ये पूछे जाते हैं आपको कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, तो ये नोट्स में मिल जाएंगे लेने पर दुर्गेश के। मतलब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा अल्फा जैव विविधता क्षेत्र क्या है। किसी क्षेत्र विशेष में प्रजातियों की कुल संख्या उस क्षेत्र की अल्फा विविधता को प्रदर्शित करती है, दिखाती है। अल्फा के मापन से ये पता चलता है कि प्रजातियों की संख्या बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। अल्फा मापन से ही किसी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर एक समुदाय की कुल प्रजातियों की संख्या, प्रजातियों की आनुवंशिक की के आधार पर उनमें पाई जाने वाली जो समरूपता होती है उनका आकलन किया जाता है। मतलब कहा जाए कि जीवों की संख्या का मापन किया जाता है, एक लाइन में शॉर्ट में अगर हम कहें तब, जिनको वीडियो साफ नहीं दिख रहा है तीन दर्द बिंदु पर क्लिक कर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले, पूरी HD दिखेगी आपको। मतलब यहां पर जीवों की संख्या का मापन, मतलब आवास, एक लाइन इसको आवास। दूसरा जैव विविधता की बीटा, बीटा में क्या है, बीटा डाइवर्सिटी क्या है, माने बीटा विविधता किसी क्षेत्र विशेष में प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता प्रकट करती है, प्रजातियों के पलायन को देखा जाता है, जलवायु के बदलाव के साथ आवास समुदाय की जो पर्यावरणीय दशा का बदलाव देखा जाता है, या उस माप को बताते हैं जिसमें स्पीसीज पर्यावरणीय अंतर के बीच बदलती है, माने कारकों के आधार पर होने वाला परिवर्तन आवास परिवर्तन। आवास परिवर्तन कब होगा, जैसे हम घर छोड़, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना आप, ठीक है यहां पर ध्यान दीजिएगा, याद रहे ध्यान से, जैसे आप इलानी बुद्ध किस क्यों छोड़कर रहेंगे जाएंगे, कब जाएंगे, अब ये सब कुछ यहां पे मिल रहा है आपको, सरकारी नौकरी करने के लिए सभी तथ्य मिल रहे हैं, जहां से परीक्षा में सीधे सवाल आते हैं, तो भैया क्यों छोड़कर जाएंगे आप। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो जाए, पता दुर्गेश सर की क्लास नहीं मिल रही है, टेलीग्राम पर क्लास नहीं मिल रही है, लेनी में दुर्गेश ऐप पर नहीं मिले, फेसबुक पर नहीं मिले, तो जाएंगे। मतलब यहाँ पे जब पर्यावरणीय परिवर्तन होना शुरू होता है, जब जलवायु बदलाव होता है, तब उस समय आवास लोग बदल देते हैं। जैसे कोरोना काल में देखा, जब कोविड आया तो लोग घर की तरफ भागे, गाँव की तरफ भागे, शहर की आवास छोड़कर भागे, तो यही था एक आवास परिवर्तन, एक एग्जाम्पल है बस, ठीक है। एकदम वीडियो HD में चल रहा है, बस आप तीन दाढ़ बिंदु पर क्लिक करिएगा और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। अगला देखिए जैव विविधता गामा, गामा क्षेत्र क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। जीवों का एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे में गमन, भाई गमन कैसे हुआ, मैंने जब गामा विविधता दर, जिस पर एक ही आवासीय प्रकार के अलग अलग स्थानों में भौगोलिक जो विपत्तियां आती जाती हैं, तब वहां पर क्या होगी, भौगोलिक कारकों पर निर्भर करती है। मतलब अगर कोई बेचारा कोरोना काल में मान लीजिए महाराष्ट्र से चला, दिल्ली से चला, और जैसे यूपी में आया, मान लीजिए जौनपुर जनपद पहुंच गया, तो पता चले यहाँ पे उस समय भूकंप आने लगा, अब बेचारा यहाँ से भाग कर जाएगा। मतलब अब प्रदेश भी बदल गया, पहले तो आवास बदला भाई, चलिए ठीक है उन जगह क्षेत्र पे जाना शुरू किया, लोग बचने के लिए जाने लगे, लेकिन अब यहाँ पे प्रदेश बदल गया। माने प्रदेश का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रादेशिक पर्यावरण से मतलब है, यहाँ प्रदेश का मतलब किसी स्टेट से नहीं है। जैसे एक तरह की, जैसे हिमालय क्षेत्र के लोग पठारी क्षेत्र पे जाने लगे, पठारी क्षेत्र के लोग रेगिस्तानी क्षेत्र पर जाने लगे, वहां के लोग मैदानी क्षेत्र पर जाने लगे। मतलब एक प्रादेशिक विभाजन, उसके बारे में यहां पे बात कर रहा है। तो जीवों का एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे में गमन प्रादेशिक, ये गामा के अंतर्गत आता है। तो जितने भी साथी देख रहे हैं, ये ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ें, तीन लाइन आपको याद करनी है, लेकिन व्याख्या सुने रहेंगे तो परीक्षा में आपको काफी काम आएगा। जी हां, ठीक है, बताइए समझ में आ रहा है आप लोग को, जितने लोगों ने वीडियो को शेयर किया उनको थैंक यू। अब आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ये नोट्स इलानी में दुर्गेश पर उपलब्ध हैं। चलिए अब यहां पे हमें देखना है कुछ जैव विविधता के सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन 1992 रट लीजिएगा, परीक्षा वाले प्रश्न है। बहमास सम्मेलन 1994, काटा जोना प्रोटोकॉल 1999, नगोया प्रोटोकॉल, आईची लच 2010, हैदराबाद में जैव विविधता सम्मेलन 2012। ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं, माने जहाँ सीधे आपके सवाल आ जाते हैं। तो अब काटा जोना प्रोटोकॉल क्या है, ये 1999 में आया था, लेकिन 11 सितंबर 2003 को लागू किया गया। कब लागू किया गया, यह है काटा जोना प्रोटोकॉल 11 सितंबर 2003 को लागू किया गया। वर्तमान में 170 देशों में काटा जोना प्रोटोकॉल के पक्षकार हैं, उसमें से 103 ने भी हस्ताक्षर भी कर दिए हैं,
ठीक है, नगोया क्या है, नगोया प्रोटोकॉल, ये 24 अक्टूबर 2010 को आया था, नगोया 24 अक्टूबर 2010 को। नगोया में जंगलों, कोरल रीफ, जैव विविधता की रक्षा के लिए एक संधि हुई थी। मतलब संधि के अनुसार जैव विविधता को बचाने के लिए 17% भू क्षेत्र, 10% समुद्र की सुरक्षा करना है। भारत ने नगोया के संधि को स्वीकार किया। ये परीक्षा वाले प्रश्न है। लेकिन आईटी लक्ष्य क्या है, इसमें देखिए आईटी लक्ष्य क्या है, ये 2011 से 2020 रखा गया। कब रखा गया आईटी लक्ष्य इसका, 2011 से 20 तक आईटी लक्ष्य रखा गया नगोया प्रोटोकॉल में ही। समझ में आ रहा आप लोग को। अब जैव विविधता सम्मेलन रखा गया हैदराबाद में, इसे कोप 11 के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, कोप 11, कोप 11 भी कहते हैं। ये 20 अक्टूबर 2012 को विकासशील देशों के मध्य जो गतिरोध है उसको समाप्त करने के लिए जैव विविधता सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र द्वारा हैदराबाद में आयोजित किया गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो आपके परीक्षा वाले सवाल थे वो मैंने पूरी तरह से बताने का प्रयास किया, ताकि एक भी टॉपिक छूटने ना पाए। अगर पूछा जाए रामसर भूमि संधि कब हुई, 1982 में हुई। ठीक, तो ये सब क्लियर हो रहा है आप लोग का, नहीं हो रहा है? देखिए पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, ये जैव विविधता संधि जो थी, ये 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, और 1993 में प्रभावी होता है। ठीक, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन वीडियो को शेयर करिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं उन टॉपिकों को पढ़ा रहा हूँ जहाँ से परीक्षा में सवाल आते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को शेयर करिए। आपके सिलेबस से पढ़ा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू पाठ्यक्रम आपके चल रहे हैं। चलिए, जैव विविधता के ह्रास के कारण क्या है? भाई जैव विविधता क्यों खत्म हो रहा है, भाई जैव विविधता खत्म क्यों हो रहा है बताइए आप लोग। कारण देखिए, मानव जाति और प्राकृतिक, ये दो कारण है, एक मानव जाति कारण है, एक प्राकृतिक कारण है। पहले प्रकृति के कारण, अब जैसे भूकंप आ गया तो क्या होगा, हिमस्खलन, अचानक हिम गिर जाता है, बर्फ, हिमस्खलन माने जो पर्वतों में होता है, बाढ़ आ जाता है, बिहार प्राय बेचारा जूझता है इससे, जलवायु परिवर्तन हो जाए। ये ऐसे प्राकृतिक कारण है जिससे जैव विविधता में लगातार ह्रास देखने को मिलता है। जी हाँ, देखिए नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लें, इलेनी दुर्गेश के ऑफिस का नंबर, मेरी क्लास निःशुल्क है, देशित में, राष्ट्रित में, ये जौनपुर जनपद से चल रही है और ये मेरे द्वारा फ्री है, मेरे बचे हुए समय में मैं गेस्ट के रूप में पढ़ा रहा हूँ इलेनी दुर्गेश पे। देखिए अब मानव जाति की तरफ देखते हैं, अब मनुष्य मतलब हम लोग कैसे करते हैं, आर्थिक दोहन। आर्थिक दोहन का मतलब क्या है, अब खनन कर लेते हैं, तेल निकालने के लिए खुदाई कर लेते हैं, माने अपनी आवश्यकताओं के लिए जो हम दोहन करते हैं वो आता है आर्थिक दोहन के अंतर्गत। तो जब दोहन करेंगे तो ह्रास होगा ना जैव विविधता। अब जैसे जंगल सफा हो रहे हैं, अभी आगे हम लोग देखेंगे, शिकार व तस्करी, शिकार कर रहे हैं जानवरों का, शिकार आपने देखा हो पहले, खाल के लिए, दांत के लिए, मांस के लिए जंगली जानवरों का शिकार कर रहे हैं। और जब जंगल खत्म होंगे तो उनकी विविधता भी तो खत्म होगी। अब आवासीय विकास, अब जैसे मनुष्य के आवास बढ़ेंगे, अब देखिए आप बचपन की 20 साल या 15 साल पहले बचपन में जाइए, आपके घर के आसपास देखिए कितने जंगल थे, हरे भरे थे, लेकिन धीरे धीरे वहाँ कितने मकान बन गए, माने आवास बढ़ रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि लगातार नगरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, जंगल छोटे होते जा रहे हैं, जैसे आपकी संख्या भी छोटी होती जा रही, कम होती जा रही है। भाई लाइफ सेशन चल रहा है ये, चाहे बाद में भी देख रहे हो, लाइफ जैसा ही लग रहा है आपको। तटीय क्षेत्र का विकास, जो तटवर्ती क्षेत्र थे, जैसे अगर हम बात करें भारत में, अगर ये जो तटवर्ती क्षेत्र थे यहाँ के अरब सागर के, यहाँ भी देख रहे हैं लोग घर बनाना शुरू कर दिए, उद्योग लगाना शुरू कर दिए, नगर बसाना शुरू कर दिए, इनकी भी संख्या तो कम होगी। इसलिए यहाँ पर हमने देखा ये मानव जनित कारण है और ये प्राकृतिक कारण है जिससे जैव विविधता में लगातार ह्रास देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसकी स्क्रीनशॉट कर लें, तब तक हम पानी पी लेते हैं। ऐसी क्लास अगर यूट्यूब पर मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके बाद क्वेश्चन भी कराएंगे, प्रश्न बैंक भी कराएंगे। ये तो आधार है, व्याख्या भी जरूरी है मेरी। अब आगे देखते हैं, एक है वन्य जीव संरक्षण, हम लोगों ने पढ़ा
राष्ट्रीय पार्क में। इसमें राष्ट्रीय पार्क का मतलब क्या होता है ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इसमें मानवीय गतिविधियां नहीं होती, माने कोई व्यक्ति उसमें नहीं जा सकता, कोई भी मानव गतिविधि नहीं होगी। जो जानवर हैं बेचारे, वन है, पादप है, वो स्वतंत्र रूप से वहां पे रहेंगे। अभ्यारण्य में क्या होता है, सीमित मानवीय गतिविधि होती है, मतलब कुछ लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं, जिनकी गतिविधि होगी उसके बारे में समझ सकते हैं, उनमें अध्ययन कर सकते हैं, वैज्ञानिक शोध कर सकते हैं। दूसरी तरफ जैवमंडलागार, इसमें सरकारी नियंत्रण, लेकिन बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य संभव, माने बाहर क्षेत्र में निजी कार्य भी संभव होते हैं। अब इसे अगर हम देखा जाए तो तीन क्षेत्रों में बांट कर पढ़ते हैं। आइए देखते हैं इन्हें तीन क्षेत्र कौन कौन से और कैसे इनमें हमें पढ़ना है। तो क्या आप लोग को ये चीज़ें पता थी, बताइए, मत शेयर करिए वीडियो का भैया, ठीक है, लेकिन प्रश्न का जवाब दीजिए। मानिए परीक्षा हाल में बैठे हैं, हाँ, जब भी पढ़ा करिए सोचा करिए कि आप कहाँ हैं, आप परीक्षा हाल में हैं, बताइए। देखिए इसमें क्रोड से कोर क्या है, इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो सकता, यानी मानो नहीं, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे एक ये राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, मान लीजिए, और सौरभ सर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, उसमें मान लीजिए यहाँ पे कोई गधई बेचारी मर गई है, गधई मर गई है और जंगल है और बगल में गधा मर गया, एक शेर शिकार करता गधा मर गया, अब बदबू कर रहा है, तो सौरभ सर ये नहीं चाहेंगे कि इसको निकाल कर बाहर रख दे, वो अपने आवास में रहेगा कि उस गधे के मरने के बाद डिकम्पोज कैसे होता है, शेर टहल रहा है, अगर शेर की पूंछ कहीं फंस गई है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको शेर की पूंछ को नहीं छूने, मतलब कोई भी मानव गतिविधि नहीं होगी। जैसे मान लीजिए वहां पे आम का हो जाए, पेड़ ढेर सारे आम पके पके खूब महके, आप सोचेंगे यार इसमें से मौत तोड़ ले क्या, जी नहीं, क्योंकि वो अपने जो प्राकृतिक आवास होगा उसके तरह रहेगा, उसमें कोई भी गतिविधि नहीं होगी, नहीं तो मनुष्य का बस चले तो पेड़वा काट के बेच दे, अमोख भी निकाल ले जाए, तो वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। फिर बफर क्षेत्र, मतलब इसमें कुछ सीमित गतिविधि होगी, जैसे आम पक गया है तो निकाल लो भाई साहब, तोड़ लो, लकड़ी पेड़ सूख गया, लकड़ी टहनी गिरी, निकाल लो, सौरभ सर को भेज दो रिसर्च कर लो, इसमें कोई गधही मर गई, गधा मर गया है, उसे निकाल के बाहर फेंक दो, उसे दफन कर दीजिए ताकि डिकम्पोज हो सके। फिर आता है बाहरी संक्रमणी क्षेत्र, मतलब तीन क्षेत्र होते हैं ना, संक्रमणी क्षेत्र तीसरा है, मैंने अगर हम बात करें तो ये है पहला, ये है दूसरा और ये है आपका तीसरा। माने इसमें क्या होता है, प्रशासन के साथ मानवीय गतिविधियां भी होती हैं, मतलब ऐसे कुछ लोग टूरिज्म भी जा सकते हैं, मतलब पर्यटक भी जा सकते हैं, देख भी सकते हैं लोग, जरूरत पड़ने में प्रशासन के साथ घर मकान भी बाहर बनाया जा सकते हैं दूर पे। तो ये तीन चीज़ें हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो आज ये तीनों चीज़ों के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते रहे। इसे संक्रमणी क्षेत्र कहते हैं, क्रोड, वफर, संक्रमणी क्षेत्र, ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, तीनों यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। किसी को जितने लोगों को पता और अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, और आगे आपके सिलेबस के आधार पर हम पढ़ा रहे हैं। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न बैंक की तरफ, अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न बैंक की तरफ, अब हम लोगों ने थियोरी पढ़ लिया, अब हम प्रश्न बैंक के आधार पे, इसके सहारे अब हम क्या करेंगे, इसकी थियोरी को कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। अब जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरा निवेदन है कि जल्दी जल्दी इस वीडियो को अपने साथी मित्रों तक शेयर कर दें, पैसा नहीं लगेगा यार, इतनी मेहनत से चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, तो लोगों तक पहुँचाइए आप, ये आपकी भी तो जिम्मेदारी उतनी जितनी की मेरी है। देखिए WWF का मतलब क्या है, WWF का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करके बताइएगा। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथी जवाब जरूर देंगे, ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, माने परीक्षा वाले प्रश्न हैं। जी हाँ, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, कहीं कहीं मिलता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, कहीं इसमें फंड फॉर नेचर शब्द भी जुड़ जाता है, लेकिन यहां पर विकल्प के आधार पर अगर आपको देखा जाए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह सी होगा, माने सी वालों का जवाब पूरी तरह से सही है, ठीक। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, परीक्षा में पूछा जा चुका, तो मैं आपसे भी पूछूंगा इसका प्रतीक चिन्ह क्या है। जी हां, सौरभ सर ने एकदम सही बताया, ज्वाइंट पांडा, ज्वाइंट पांडा है इसका प्रतीक चिन्ह। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है मृतक भक्षी, मांस भक्षी, शाक भक्षी, रसायन भक्षी। भैया जो मरे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको खाने वाले जीव को क्या कहते हैं, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जी हां,
साग भक्षी नहीं तो शाकाहारी होंगे, मांस भक्षी मांसाहारी होंगे, लेकिन अपशिष्ट को उन्हें मृतक भक्षी के नाम से जानते हैं, ये वालों के जवाब सही हैं। सोचिए प्रश्न आपने पढ़ा क्या थियरी, लेकिन जो प्रश्न के आते हैं परीक्षा में इस तरह से सवाल होते हैं भैया। ठीक है चलिए अगला है आपके सामने, वन्य जीवन रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित कौन सा पुरस्कार है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए डेली क्लास के लिए आप ये इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करेंगे, दुर्गेश सर सर्च करेंगे, स्पेस मत दीजिएगा, जैसे दुर्गेश सर सर्च करेंगे ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश सर। अब मेरी भी आईडी है क्योंकि मैं तो यहाँ निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ भैया, गेस्ट के रूप में। फेसबुक पे हैं तो दुर्गेश अशोक जायसवाल, इंस्टाग्राम पे दुर्गेश जायसवाल सर। देखिए यहाँ पर गार्गी पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, प्रियदर्शनी पुरस्कार, क्या होगा? जी हाँ, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। बिश्नोई सभा समाज जो है इसका संबंध भारत के किन राज्यों से है, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। अगला, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वनों की सूची में निकाल दिए जाने वाला पौधा क्या है? सरकंडा, गन्ना, खजूर, बांस, बताइए जल्दी से कमेंट करके। भारतीय वन संशोधित अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची से निकाल दिए जाने वाला पौधा कौन सा है? पहले सीरीज तथ्य पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे इसके विकल्प सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर क्या होगा, सरकंडा है, गन्ना है, बांस है, खजूर को निकाल दिया गया, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी, बांस क्या है, घास है ये। यहां पर एक प्रश्न जो का उत्तर जो होगा वो क्या होगा, सी। ठीक है चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? बताइए। देखिए सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, देखिए मैंने बनाया था इससे बहुत सारे प्रश्न आते घुमा घुमा कर, ये 0 डिग्री जो है इससे 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र होता है इससे हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहते हैं, वर्षावन कहते हैं, वनवायुम कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प है आपका वो बी है। और हमने कई बार बताया कि जो जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं जैव विविधता कम होती जाती है, मतलब सर्वाधिक जैव विविधता इन्हीं क्षेत्रों में मिलती है, 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ। बस याद रखिएगा, रट लीजिएगा सभी लोग, सिलेक्शन वाले प्रश्न है और सिलेक्शन वाले टॉपिक हम लोगों ने आज पढ़ा है। अगला सवाल, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है कैसे? अब शुरुआत में मैंने पढ़ाया था थियरी पढ़ाते समय, यही लेनी भी दुर्गेश, अगर आपने नोट्स लिए होंगे तो आपको पता होगा कैसे। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन से एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से जो भिन्नता होती है, भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण में प्रभाव, मैंने 3 तरह से डिफाइन किया था, शायद आपको याद होंगे। देखिए मैंने किसी भी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी से, मैंने प्रश्न के हिसाब से अगर इसका उत्तर देखें तो ए होगा, मतलब जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है उन सबके जवाब सही हैं, राइट आंसर है। ठीक है आगे चलते हैं, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, मुझे बार बार कहना पड़ रहा है। जैव विविधता के मापने के लिए गणितीय सूचकांकों का कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजातियों को विविधता को दर्शाता है? मैंने अल्फा भी पढ़ाया, बीटा भी पढ़ाया, गामा भी पढ़ाया, हमने तीनों पढ़ाया है। अगर आप ये नहीं कह सकते दुर्गेश सर हमें नहीं पढ़ाए हैं, जी हाँ ये मैंने पढ़ा दिए हैं, ये नोट्स में भी लेने भी दुर्गेश के है। तो भैया जैव विविधता में गणितीय सूचकांक में एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र के माध्यम से जो प्रजाति विविधता दर्शाता है वो है आपका अल्फा। क्या है अल्फा, मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए।
ए वालों का जवाब है, मैंने पढ़ाया है आज, अल्फा बीटा गामा। और अब नहीं बता पाएंगे तो कब बताएंगे, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। आगे चलें, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है बताइए कमेंट करके, बताइए जल्दी जल्दी क्या है। भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन, क्या है बताइए मेरे प्यारे साथियों। ऐसे सरकारी नौकरी करेंगे, सही जवाब बता रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही प्रदर्शन आपको परीक्षा हाल के अंदर करना है। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन माने डी वालों के जो जवाब है ना वो सही है एकदम। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कारक जैव विविधता ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब ये बताइए जैव विविधता ह्रास के लिए क्या क्या जिम्मेदार है। अब सीधी सी बात है, मैंने पढ़ाया आज की क्लास में, और अगर आप फिर भी ना बता पाए, मैंने शॉर्ट नोट्स पहले पढ़ा दिया ताकि आप लोगों ने, जिन लोगों ने नोट्स लिए होंगे उनको ये तुरंत आने लगे, सवाल के उत्तर पता होते चले। अनुवांशिक आत्मसातकरण, परिभक्षियों का नियंत्रण, प्राकृतिक वाष्प का विनाश, कीट नियंत्रण, बताइए इसमें से क्या ऐसा करेंगे हमारा पर्यावरण को खतरा होगा, हमारी जैव विविधता खत्म होती जाएगी। आप ऐसे क्या काम होगा, जब हम प्राकृतिक का वास का विनाश करना शुरू कर देंगे, चाहे मानवीय गतिविधि जैसे उसमें है, वृक्षों का कटाव, आवास बनाना, उसके अलावा क्या क्या कारण थे, ये होगा प्राकृतिक वास का विनाश करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा। आखिर ये बताइए, आजकल हम लोगों ने बचपन में याद होगा कि अगर रोटी आप रख देते तो कौवा हाथ से रोटी लेकर भाग जाते थे, अगर कटोरी में छोटी सी जो आती है उसमें अगर तेल रखा जाए कौवा लेके भाग जाते थे। लेकिन आज सोचिए, कभी कभी कौवा देखे कितना दिन हो जाता है, क्या आज आपने सुबह से लेकर शाम तक कौवा देखा है, कल आपने सुबह से लेकर शाम तक में कौवा देखा था, ऐसा क्यों हो रहा है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अच्छा एक पिछले अच्छा पिछले वीडियो में, अच्छा हो सकता है भैया कहीं एक आध क्वेश्चन अगर गलत हो गया हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है कभी कभी हो जाए भैया। आज की टॉपिक जैव विविधता है। निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था, एकदम यूनिक प्रश्न है, अब इसका जवाब सभी को देना है। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जवाब सबको देना है, सभी लोग फटाफट बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिए वाल्टर सी रोजन कब दिया था उन्होंने, 1985। लेकिन ये सीजे जो बैरो थे उन्होंने कहा था, किसी भी निश्चित क्षेत्र की प्रत्येक प्रजाति में जेनेटिक विषमता के साथ विभिन्न प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहते, इनकी परिभाषा थी। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट यहां तो कर लें। अच्छा सबसे पहले किसने बायोडायवर्सिटी, वाल्टर जी रोसे। अगला है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 2020 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है, प्राकृतिक आपदा दशक, जैव विविधता दशक, जलवायु परिवर्तन दशक, पर्यावरण दशक, बताइए जल्दी से कमेंट करके, सभी लोग फटाफट कमेंट करें जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। देखिए एक एक टॉपिक नोट्स के साथ हम लोग पढ़ते चलेंगे ताकि सिलेक्शन आपके घर तक चल कर आए, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। नोट्स हम दे सकते हैं, क्लास हम दे सकते हैं, पढ़ना तो आपको ही नहीं पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि हम घुट्टी बना के आपको पिला देंगे। तो यहां पर होगा जैव विविधता दशक, रट लीजिएगा, बहुत ही यूनिक प्रश्न है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, एकदम सही जवाब दिया है आप लोगों ने, बस ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा। अब मेरा सवाल है, जलवायु परिवर्तन दशक कब से कब है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCMB किस शहर में है,
भावनगर, जामनगर, मुंबई, पुदुचेरी, बताइए जल्दी से। एकदम सही आप लोगों ने बताया, एकदम सही, जामनगर में है। एकदम रट लीजिएगा, ये एवर ग्रीन प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। एकदम सही जवाब दिया आप लोगों ने, जामनगर में है। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लें। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, टुंड्रा, शंकुधारी वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण वन। देखिए यहां पर हमने बताया, ये हो गया पूरा पृथ्वी माना, ये 0 डिग्री हो गया, बहुत बार बताया 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री नीचे। यहाँ प्रतिदिन 2 बजे से लेकर 4 बजे दोपहर तक प्रतिदिन खूब वर्षा होती है, सर्वाधिक सूर्यताप मिलता है, इसलिए यहाँ पे घने वन पाए जाते हैं, बड़े बड़े दुनिया के सबसे बड़े वन पाए जाते हैं। किसके लिए? धूप के लिए। एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। जैसे आप सरकारी नौकरी करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, एक दूसरे से ऊपर जाने के लिए, इसे कई नामों से जानते हैं। इसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम कहते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं, विषुवत रेखीय वन कहते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन उत्तर मिलाकर इसका सी है। ठीक, आगे चलें। हाँ, आप लोगों ने वीडियो को शेयर किया है, अगर शेयर किया है तो थैंक यू जी। हाँ, थैंक यू, आप लोग बस साथ देते रहिए, बस सिलेक्शन दिलाने मेरी गारंटी है, क्योंकि मेहनत तो आपको करना है ना। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? देखिए अनूप जी ने भी कहा है, उनका नाम ही ले लेते हैं। नहीं, किसने कहा है? अच्छा, अनूप जी ने, एनाकोंडा। तो जैसे अमेजन का जंगल इसका उदाहरण है, वहाँ पर एनाकोंडा बड़का कीड़ा मिलता है, मतलब सांप, एनाकोंडा। ठीक है, सिनकोना वृक्ष की छाल कुनैन मिलती है, रबड़ मिलता है, तो ये सब वहाँ पे पाए जाते हैं, वृक्ष हैं, वो आपको आगे टॉपिक में पढ़ा दिया जाएगा। किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती? सेम यही उत्तर है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम, केवल नाम चेंज हो रहे हैं। बस मैं चाह रहा हूं कि प्रश्नगर परीक्षा में आए तो गलती ना करें आप, बस, चाहे कुछ भी हो जाए। अगला, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, शीतोष प्रपाती वनों में, उष्णकटिबंधीय के आद्र वनों में, अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, मरुस्थलों और समाना मैदानों में, बताइए कहां मिलती हैं? सभी लोग बताइए भैया, ये जौनपुर के सिराज हिंद से क्लास लाइव चल रही है। जी हाँ यार, रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। प्राणियों पादपों के जातियों में अधिकतम विविधता कहां मिलती है, बताइए जल्दी से। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में लिख लीजिएगा बी। एकदम रट ला, मतलब देखिए अगर ऐसे ही रट जाएगा तो परीक्षा में एक भी गलती नहीं होगा आपसे। आगे, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है? गहरे समुद्र में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, कोरल रीफ है, ये इसको टाइपिंग एरर है, ये रीफ है, इसे मूंगा कहते हैं, और क्या कहते हैं इसे? मूंगा के अलावा इसे मूंगा कहते हैं, प्रवाल कहते हैं। देखिए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए यहां पर बाकी तो किसी प्रजाति भीतर सभ्यता काफी अधिक होती, जैसे कोरल, इसमें 2 उत्तर हो सकते हैं, क्योंकि प्राय इसमें अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है। यहाँ पर कोरल भी होगा, मरुस्थल भी हो सकता है। एग्जैक्ट इसका भी उत्तर नहीं है कि काफी अधिक होती है, अगर काफी अधिक समानता अगर देखा जाए तो कोरल भी है और मरुस्थल भी मिलता है यहाँ पे। आगे इसके बारे में लोग बात करेंगे। हाँ, कभी कभी यहाँ पे गलती हो जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से बताएंगे इसमें क्या क्या कारण है, इसे इसमें होना चाहिए था क्या नहीं, मतलब इसमें होता काफ़ी अधिक नहीं होती, इसे पूछना चाहिए तो नहीं होती है, तब ये होता आपका ए। लेकिन यहाँ पे प्रश्न टाइप करने में थोड़ा सा इरर है, इसलिए मानते हैं ये प्रश्न ही पूरा इरर है, इस प्रश्न को इरर मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ टाइप करते समय थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पे ये होना चाहिए कहाँ पे समानता नहीं होती है, ठीक है, कम होती है, तब इस तरह सवाल होते हैं, इसको हम लोग गलत मान के चलते हैं। अगला, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता कहां मिलती है? सेम प्रश्न है, बताइए।
सभी लोग बताइए फटाफट कमेंट करके। बस यही है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में अधिकतम कहां मिलती है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। चलिए अगला। अच्छा ये हो गया है, जैविकता परिवर्तन होती है ये बताइए, मैंने अभी बताया, देखिए ये मैंने यहां पे बताया था, ये 0 डिग्री है, यहां से जब से ज्यादा जैविकता यहां पे मिलती है, जो जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे जैव विविधता में क्या होता है, ह्रास होता है, लेकिन ज्यों ज्यों हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो जैव विविधता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। एक दूसरे को उल्टे हैं लेकिन एक दूसरे को समझना होगा कैसे एक दूसरे से विपरीत भी है, मतलब ज्यों ज्यों भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, मतलब भूमध्य रेखा ध्रुवों की तरफ, जैव विविधता कम होती जाती है, लेकिन अगर हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है नहीं घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है जी नहीं, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, जब भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं तो घा घट रही है, बढ़ रही है ना, इसलिए इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए होगा, ए वालों का जवाब सही है, मतलब ज्यों ज्यों भूमध्य रेखा की तरफ आ रहे हैं बढ़ रही है ना, देखिये ये भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, मतलब ज्यों ज्यों भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे बढ़ती जाएगी और भूमध्य रेखा पे सर्वाधिक हो जाएगी। क्लियर हो गया, सभी लोग बताइए क्या पढ़ाने में कोई कमी है, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर जगह दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करिए, अपने अगर फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पर शेयर करिए, अपने फेसबुक स्टेटस पर शेयर करिए, सभी जगह शेयर करिए। अगला, शांत घाटी कहाँ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे साइलेंट वैली भी कहते हैं, पता ही शांत घाटी कहाँ पर, अगर मैप में देखेंगे तो कहाँ दिखेगा, यहाँ पे केरला में, उत्तराखंड केरल अरुणाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर, कहाँ पे शांत घाटी, कहाँ पे भैया बताइए कमेंट करके, केरल में, बी वालों का जवाब सही है, एकदम हल हुआ प्रश्न, और भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता भी केरल में ही मिलता है। मसालों का शहर किसे कहते हैं, मसालों का शहर किसे कहते हैं कमेंट करिए, मसालों की रानी किसे कहते हैं। अगला सवाल, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, प्रश्न वही है उत्तर वही है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है बस, और हम चाहते हैं आपको कितना भी परीक्षा हाल में घुमाए लेकिन सिलेक्शन में एक भी समझौता नहीं चलेगा, सिलेक्शन लेना है तो लेना है। देखिए साइलेंट वैली परियोजना केरल है यार, केरल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, इस समृद्धि के लिए कौन सा कारक सबसे ज्यादा उपयुक्त है, तो भैया जवाब दीजिएगा, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जवाब देना होगा आपको, ऐसा नहीं चलेगा कि आप जवाब ना दें और हम पढ़ा दें आपको, जवाब दीजिए उत्तर दीजिए। जी हाँ, यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि बढ़ता, जी नहीं, बर्फबारी आदि यदि ऊंचाई पर है ना, पर्वतीय क्षेत्र है या विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, इस क्षेत्र में विदेशज और अतिक्रामक प्रदेश से प्रवेश नहीं करेगा, ये नहीं कम, जी नहीं, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, मतलब यहाँ पे विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, माने बी वालों के जवाब सही, माने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही है, माने बी वालों के राइट आंसर है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, कोई डाउट कोई सवाल नहीं है ना। फिर भारत में जैव विविधता ताप स्थल हॉटस्पॉट है, बताइए यह हॉटस्पॉट जोन कहां पे है, यह मोबाइल वाला हॉटस्पॉट नहीं है, ठीक है, यह हॉटस्पॉट मोबाइल वाला नहीं है, बताइए सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिए, अब नहीं देंगे जवाब, नहीं देंगे तो कैसे चलेगा, बताइए। देखिए यहां पे पश्चिमी हिमालय, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट नहीं है, पश्चिमी हिमालय भी नहीं है, पूर्वी हिमालय भी नहीं है, सॉरी पूर्वी हिमालय है, यहाँ शांत घाटी, यहाँ पर होगा आपका पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट, और सबसे ज्यादा अगर पूछेगा तो वेस्टर्न घाट, पूर्वी हिमालय जो हिमालय का पूर्वी क्षेत्र, मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सी, ये रट लीजिएगा, हो सके तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा,
यहाँ से सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप गलती भी कर जाते हैं, लेकिन अब की गलती मत करिएगा। क्लास की टाइमिंग डेली यही रहेगी और टेलीग्राम पर आप लोग जुड़े रहिएगा, वहाँ पर इसकी लिंक मिलती रहेगी। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है, जवाब दीजिएगा सभी लोग। देखिए ऑनलाइन क्लास या घर बैठे नोट्स के लिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि मेरी क्लास तो निःशुल्क आप यहाँ पढ़ रहे हैं, ये जौनपुर जनपद से चल रही निःशुल्क। और एक ध्यान रहे आप लोग, अगर ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो जरूर कर लीजिएगा, और प्ले स्टोर पर है, वहाँ से आपको क्लास भी मिल जाएगी, नोट भी मिल जाएगी, और फिर समझ में ना आए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। देखिए पूर्वी घाट नहीं, ठीक है, कितना पेज है, थार किर्गिस्तान है, बंगाली खाड़ी, पश्चिमी घाट, ये रट लीजिएगा। यहीं पे 16 घास मिलता है, कौन सा घास, 16 घास। पूछिए 16 घास कहां पाया जाता था, यहीं पाया जाता है पश्चिमी घाट में, ठीक है, क्लियर हुआ सबका। हाँ भैया जौनपुर में आइएगा, मुलाकात हो जाएगी शाम के समय ही होगी, जब हम खाली रहेंगे शाम के समय मुलाकात हो जाएगी आप सबसे, ठीक है, चलते आगे। देखिए जैव विविधता के संदर्भ भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है, कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है। देखिए मध्य भारत नहीं, गंगा के बादा नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी हॉटस्पॉट जोन माना जाता है। भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट जोन है, नोट्स में लिखा है वैसे भी बताइए, भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट जोन है, कौन कौन है, ए वालों का जवाब सही है, जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है उन सबके जवाब सही है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का तप्त स्थल है, गंगा मैदान, पूर्वी घाट नहीं, सुंदरबन, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। खाली प्रश्न का उत्तर वही है, थोड़ा सा खाली ऊपर नीचे हुआ है, पूर्वी घाट होता ही नहीं, गंगा मैदान नहीं है, पश्चिमी हिमालय नहीं है, ये सब बहकाने के लिए आपको आएंगे परीक्षा में। मैं इसलिए करा दे रहा हूँ, इतनी प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ आपको ना, कि जैव विविधता सवाल गलत ही नहीं होंगे आपके, बात मानिए मेरी। निम्नलिखित में किसने भारत में जैविक विविधता का हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है, बस वही मानस नहीं होगा, सुंदरबन नहीं है, चेरापूंजी नहीं है, पश्चिमी घाट, बस खाली प्रश्न की भाषा बदल रही है, केवल प्रश्न की भाषा बदल रही है बस, और सारे टॉपिक सारे तथ्य ऐसे ही चल रहे हैं। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि जब तक क्या है तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, नौकरी करनी है सरकारी। भारत में जैव विविधता के प्रखर स्थल हॉटस्पॉट है कौन कौन है, देखिए पश्चिमी भारत नहीं, पश्चिमी घाट सही, पूर्वी घाट नहीं, पूर्वी हिमालय, मतलब यहाँ पे दूसरा और तीसरा यही दोनों सही है, मतलब कूट में दूसरा और तीसरा सही है। देख रहे धीरे धीरे करके आप कठिन प्रश्न की तरफ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन गलती नहीं हो रही आपकी, यही सिलेक्शन का तरीका है, इसी तरह सिलेक्शन लेना है, केवल 15-15 टॉपिक पढ़ने हैं सिलेबस समाप्त हो जाएगा, और ऐसे ही आपने पढ़ दिया 15-20 दिन लेने में दुर्गे सी क्लास, तो बस सिलेक्शन से कौन रोकेगा आपको। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, 2 और 3, जैव विविधता के में कौन सा हॉटस्पॉट माना जाता है, गंगा का मैदान नहीं, गुजरात, मध्य भारत नहीं, गुजरात नहीं, पूर्वी हिमालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट, ठीक है, रट गया ना धीरे धीरे, बस ऐसे ही रटेगा आपको। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट हैं कहाँ कहाँ है, कौन कौन क्षेत्र है कमेंट करिएगा, पूर्वी घाट नहीं, पूर्वी घाट नहीं, पूर्वी घाट नहीं, जहां जहां पूर्वी घाट मिले काट दीजिए, और आपको अब उत्तर ही क्लियर हो गया। बताइए अब जिनको नहीं भी आ रहा था उनका भी उत्तर सही होना शुरू हो गया, सोचिए कितनी ऑथेंटिक टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। ये हो गया आपका पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ठीक है,
आगे, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन से जैव विविधता के दृश्य उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? बताइए, पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिम, माने एक और तीन। एक और तीन क्या होगा? देखिए कितना बढ़िया आपको रट रहा है। अब इसके बाद किसी भी परीक्षा का पेपर देने जाएंगे, जैव विविधता से सवाल गलत नहीं होंगे अब आपके, क्योंकि मैंने थियरी पहले पढ़ा दी इसी वीडियो में। पहले थियरी है फिर एमसीक्यू है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान क्या है? पूर्वी घाट नहीं, थार रेगिस्तान नहीं, बंगाली खाड़ी नहीं, पश्चिमी घाट। एकदम रट जाएगा, सोचिए रट जाएगा मेरी क्लास के बाद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैव विविधता का नाश होने का क्या कारण है बताइए? आखिर नाश होने के क्या कारण है? जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी हो रही है। भैया आप बचपन में याद करिए, आज के 15 साल पहले आपके घर के आसपास कितने घने जंगल रहा करते थे, झाड़ियां रहा, लेकिन आज बड़े बड़े मकान बन गए। पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश, मतलब ऑल ऑफ दीज। और जो पर्यावरण का सवाल है और उपयुक्त सभी रहे 80% सही होता है। जिस प्रश्न का उत्तर नया है उपयुक्त सभी है, तो अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो लगा दिया करिए, 80% सही होता है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्या आप लोगों क्लास समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो चलिए सवाल पूछते भी। कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? तीन है और एक नहीं है, मतलब ये नकारात्मक प्रश्न है। कौन सा नहीं है? आज की क्लास पढ़ने के बाद यकीन मानिए आप इलेनी दुर्गेश के जो नए आ रहे हैं ना वो फैन हो जाएंगे। और टेलीग्राम पर जुड़िएगा जरूर, दुर्गेश सर सर्च करके। नए जिन्होंने अभी तक नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पर, दुर्गेश सर सर्च करके इलेनी दुर्गेश। कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, बंजर भूमि का विनाश, कृषि का विस्तार। भैया देखिए, सड़कों का जब विस्तार होगा, नगरीकरण होगा, कृषि का, लेकिन जब बंजर भूमि में वन लगा देंगे, पेड़ लगा देंगे, तब कहां से होगा? इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। जो गलत है वही सही है, ध्यान रहे प्रश्न को कैसे पूछा है। अब ऐसे आजकल ट्रेंडिंग सवाल पूछे जाते हैं, जो नए हैं वो स्टार्टिंग से देखेंगे तभी सबको समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, वास्तव में आप पढ़ना क्या चाहते हैं। आज की टॉपिक समाप्त हो जाएगी जैव विविधता। अगला, निम्नलिखित में कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? यह नकारात्मक सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा नहीं वाला जवाब, नहीं तो गलती कर जाएंगे आप परीक्षा हाल में, और पहले लोग गलती करते हैं। बताइए फटाफट कमेंट करके। देखिए, पाचकित तंत्र की उत्पादकता उत्तरदायी है, मध्य व्यवधान उत्तरदायी है, तंत्र की आयु, लेकिन पोषक स्तरों की कम संख्या, ये थोड़ी, ये पोषक स्तर की संख्या कितनी है? 4 है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। यहां से देखा जाए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इनकी संख्या कम कर दिया जाए या शाकाहारी कम कर दिया जाए, मांसाहारी कम कर दिया, सर्वाहारी कम कर दिया जाए, तो थोड़ी सी रुकेगी। मतलब जो गलत है वही आपका सही है, डी वाले का जवाब सही है। मतलब याद रहे कि पोषक, जैसे इसमें कह रहा है कि पाचकित तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। अब इसको कैसे, अब बताइए, इसको कम कर देंगे, सर्वाहारी कम कर देंगे तो बढ़ जाएगा क्या? मांसाहारी खत्म कर देंगे तो बढ़ जाएगा क्या? शाकाहारी को बंद कर देंगे बढ़ जाएगा क्या? ये उत्पादक को बंद कर देंगे तो बढ़ जाएगा क्या? जी नहीं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। समझिए प्रश्न को, कॉन्सेप्ट समझिए। मैंने शुरू से इसलिए पढ़ाया क्योंकि आज की क्लास में थ्योरी पढ़िए पहले, तब सेक्शन को पढ़िए। अगला, निम्नलिखित में कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जैव मंडल रिजर्व, वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, जंगली जंतु अभयारण्य। बताइए, संरक्षण के लिए मैंने पढ़ा है इन सीटू एक्स सीटू, तो यहां पर क्या होगा? जैव मंडल रिजर्व, माने कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव मंडल। आगे जब जैव मंडल पढ़ेंगे एक अलग टॉपिक में तब बताएंगे, गलती मत करिएगा, इसलिए मैंने थियरी पहले पढ़ाई। ए वालों के जवाब सही है। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो वहां भी तो शेयर कर सकते हैं। कौन सा स्थल
वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान इंस्टीट्यूट नहीं है। ये मैंने पढ़ाया आज की क्लास में, याद होगा जो शुरू से पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से डेली क्लास की टाइमिंग यही है, क्लास की टाइमिंग डेली आपको यही है, बताइए नहीं है पूछा। देखिए ज्योमंडल अच्छी क्षेत्र है ये है, राष्ट्रीय पार्क है ये है, वन जीव अभ्यारण्य है ये, वनस्पति उद्यान नहीं है, ठीक है। ये एक्सीटू है, ये क्या है आपका सीटू। तो यहां पे इस प्रश्न का उत्तर भी होगा, मैंने जो गलत है वही है सही है। क्लियर हो रहा सबका धीरे धीरे। राष्ट्रीय उद्यानों में अनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, इन सीटू संरक्षण द्वारा, एक्सीटू संरक्षण द्वारा, जीन पुल के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए जल्दी सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए। नहीं, कुछ लोग ए बता रहे, कुछ लोग बी बता रहे, कुछ लोग सी बता रहे, सबके देखिए अलग अलग मत हैं। यहां पर है इन सीटू संरक्षण, ए वालों के जवाब पूरी तरह से सही है, ए वालों ने एकदम सही उत्तर दिया है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। इन सीटू संरक्षण भैया, अगला, निम्नलिखित में क्रायोबैंक ऑक्सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। मीथेन को CH4 मार्स गैस कहते हैं, दलदली क्षेत्रों से, धानी खेत से जब पशु जुगाली करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 O2 नाइट्रोजन। ये वायुमंडल में 78.08% है, ये आपका 20.95 लगभग 21% है, ये आपका 0.03% है। तो ये वायुमंडल में इन दोनों को मिला के अकेले ये 99% लगभग हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या है कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। मैंने बताया पहले से हम उन तथ्यों को पढ़ाएंगे जहाँ से आपके परीक्षा में सीधे सवाल आते हैं। जी एकदम सही आप लोगों ने बताया, एकदम सही आप लोगों ने बताया है, ए नाइट्रोजन। क्रायोबैंक एक्सीटू संरक्षण के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, और जो पेड़ पौधे वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं ले पाते, जमीन से नहीं ले पाते, वो कीड़भच्ची पैदे होते हैं पौधे। कीड़भच्ची पौधे का नाम बताइए, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपके पाठ्यक्रम में है, आपके सिलेबस में है। हम चलते एक और अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट याद हो कर लें आपकी मर्जी। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है, बताइए जल्दी से कमेंट करके। सभी साथी चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं बताइए, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। जीव मंडल नीचे, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उपवन, वन जीव अभ्यारण नहीं बताएंगे। चलिए मैं ही बता देता हूं आपको कि मेरा काम ही वही है, सिलेक्शन तक जो ले जाना है आपको। यहां पे है जीव मंडल नीचे रिजर्व, मैंने शुरुआत नहीं बताया था, ऐसे प्रश्न आपके रिपीटेड है, सभी लोगों ने सही बताया, बहुत सारे लोगों ने सही बताया, मैंने कोई गलत ही नहीं बताया है। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, घास स्थल के, कृषि उत्पादन, वायुमंडल संतुलन, अनुवांशिक भिन्नता क्या है बताइए, बताइए जल्दी कमेंट करके जवाब दीजिए, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अनुवांशिक भिन्नता के, अल्फा बीटा गामा मैंने पढ़ाया था, याद होगा आप लोग को, नहीं भूल गए, शुरू से वीडियो देखिएगा, जो अंत में जुड़े हैं वीडियो को शुरू से देखिएगा, अरे एक घंटे से लंबी क्लास हो चुकी है, ठीक है, शुरू से देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट के जवाब आपको मिलते जाएंगे। निम्न में कौन एक प्रवाल
विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। सागरी प्रदूषण, सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरी जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, रोगों एवं महामारियों का फैलना। बताइए कि परीक्षा में तो ऐसे ही सवाल आते हैं, बताइए से बिल्कुल फटाफट कमेंट करके। ये डेली क्लास रहेगी अब, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, जब तक आपका चयन ना हो जाए, जब तक आप सरकारी नौकरी ना पा जाए, लेकिन टाइम से आप लोग लाइव आएंगे तब तो। देखिए यहां पर इस प्रश्न का होगा, सागरी जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, मतलब इस प्रश्न का सी उत्तर। ये पूछा जाता है प्रश्न, इंपॉर्टेंट सीरीज है। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक सागरी जल के सामान्य तापमान में वृद्धि से है। ठीक, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो पूछता चले। ठीक है, कौन सा प्रवाल विरंजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रवाल शैलों का खनन, प्रवाल रोगों का फैलना, सागरी जल में जल अवसादों का जमा होना, बताइए सभी लोग। सौरभ सर यहाँ आइए, आप लोग के लिए गुड न्यूज है, अभी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बताइए इसमें क्या है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है, निम्न में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? यहां पर होगा वैश्विक उष्मन का बढ़ना। इसे कहते हैं वैश्विक उष्मन का बढ़ना, इसको क्या कहते हैं? देखिए वैश्विक उष्मन, देखिए डिस्कस जो है मैंने शुरुआत में कर लिया है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, मैंने शुरुआत में थियरी पढ़ाया। इसे प्रवाल क्या होते हैं याद रहे, ये हमारा ये हो गया पृथ्वी, ठीक है, ये माना ये हमारा पृथ्वी है, ये 0 डिग्री हो गया, 23.5 डिग्री पर अगर हम जाएंगे, 23.2 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री अगर यहाँ पर आएंगे, 23.2 डिग्री साउथ में। इसे कहते हैं हम कर्क रेखा, ये हमारी मकर रेखा, ये आपकी भूमध्य रेखा, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, एक नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रवाल विरंजन क्या होता है? प्रवाल पहले याद रखिए, इसे कोरल कहते हैं, मूंगा कहते हैं। अब यहां पे प्रवाल पहले जान लीजिएगा, माने जब प्रवाल के विरंजक कैसे खत्म होंगे, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या उनके लिए, अगर उनके लिए पूछा जाए कि उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो यहां पर याद रहे वैश्विक उष्मन माने पृथ्वी का वैश्विक तापक्रम बढ़ना, ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, इसे कहते हैं अंग्रेजी में ग्लोबल वार्मिंग और हिंदी में इसे वैश्विक उष्मन कहते हैं, माने पृथ्वी का जो औसत तापमान में होने वाले वृद्धि को हम क्या कहते हैं, वैश्विक उष्मन कहते हैं। याद रखिएगा ग्लोबलाइजेशन, ये मत याद रखिएगा, ये पृथ्वी का ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबलाइजेशन 1991 में हुआ था, वो उदारीकरण था, लेकिन ये है ग्लोबल वार्मिंग है, ये याद रखिएगा मेरे साथियों। वीडियो को शेयर करिए, पैसा नहीं कटेगा आपका। तो ये उष्मन की वजह से प्रवाल विरंजन महत्वपूर्ण कारक है। अगला, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक, रेड लिस्ट से संबंधित संगठन क्या है, बताइए आप लोग। सब कुछ मिक्स हो रहा है, वीडियो को शुरू से देखेंगे सारा सवाल का जवाब मिल जाएगा। अच्छा, मैंने बताना भूल गया, यहाँ पे जो देख रहे हैं मैंने बनाया था, भूल गया, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया कर्क और मकर। जो प्रवाल होते हैं इन्हीं क्षेत्रों के मध्य मिलते हैं, कहाँ से, कर्क और मकर के बीच में ही मिलते हैं और छिछले समुद्र में मिलते हैं, याद रखिएगा, यही मुझे पढ़ाना था, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में ही मिलते हैं। तो ये IUCN रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। बी वालों के एकदम सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों, बी वालों के राइट आंसर हैं IUCN, इंटरनेशनल यूनिक कंजर्वेशन ऑफ नेचर, रट लीजिएगा इसका फुल फॉर्म, यही रेड डाटा बुक जारी करता है। अगला, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया था? IUCN के द्वारा, जी हां, 1948 पेरिस, सही जवाब। देखिए कब से, 1948 पेरिस, देखिए अनुप जी ने जवाब दिया, ये लगातार रेगुलर क्लास में रहते, कोई क्लास इनकी मिस नहीं होती। जी ये हैं कल्पना जी हैं और एकता जी हैं, रोहित जी हैं, एक काफी लोग हैं जिनकी नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन लगातार IUCN, IUCN ये कोई भी क्लास नहीं छोड़ते हैं।
आप लोग भी हैं, आप लोग भी, ऐसा नहीं आप लोग भी नहीं। विलुप्त तो होने वाले प्रजातियों की सूचीबद्धता कौन करता है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कितने दिन के बाद करता है। देखिए आप लोग ऑनलाइन क्लास नोट संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लास जौनपुर जनपद के सिराज हैं इनसे, अगर आप जौनपुर से हैं तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है, और कोई आपके जौनपुर के साथी हो तो उस तक जरूर पहुंचाएगा। ये मेरे बचे हुए समय में मैं आपको निःशुल्क देशित में राष्ट्रहित में दे रहा हूँ, ठीक है। डेली क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, कैसे, दुर्गेश सर सर्च करेंगे, जो नए आ रहे हैं इलनी विद दुर्गेश आएगा उसे ज्वाइन कर लेंगे। अगर फेसबुक के देख रहे हैं तो इलनी विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम इलनी विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम है तो वहाँ, ट्विटर यहाँ, और इसी के साथ इस प्रश्न का होगा रेड डाटा बुक। अब जरा मुझे बताइए ग्रीन डाटा बुक क्या है, ग्रीन डाटा बुक क्या है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। अगर 50 साल से कोई भी अपने निवास मूल स्थान पर नहीं दिख रही है तब उसे हम रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया जाता है, ये भी आगे सवाल मिलेगा। इसके बाद अगली सीरीज बी कंटिन्यू आएगी, फिर हम लोग और आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। वैसे सीरीज भी है, इसकी नोट्स भी उपलब्ध है, घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं सभी नोट्स, जी हाँ सभी, पूरा कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा घर बैठे, क्योंकि किताबों में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, नोट्स रहेगा तो चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं, और सॉर्ट आउट होने के बाद आप प्रश्न बैंक की सीरीज भी लर्निंग विद्रगे से पढ़ लेंगे तो कौन सिलेक्शन से रोक पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर करिएगा, जितने लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर किए उनका दिल से थैंक यू। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, हम भी आपका साथ देंगे, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। डेली क्लास की टाइम आपको टेलीग्राम पे लगातार क्लासेस के बाद फिर क्लास है, फिर क्लास है, फिर पूरे दिन क्लास आपको मिलती है, पूरी रात क्लास मिलती है, बस टेलीग्राम पे ज्वाइन रहे, क्योंकि हर एक टॉपिक हर एक सीरीज आपके लिए है। चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। टाइम बताते रहिए जो लोग लाइव डेली देखते हैं, ठीक है। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, थैंक्स टू ऑल। शेयर कर दीजिए, मत लाइक करिए, मत सब्सक्राइब करिए, लेकिन लोगों तक तो पहुंचाइए, अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचानी चाहिए, नहीं रुकना चाहिए सिलेक्शन इस बार, हर परिवार का सपना पूरा होना चाहिए, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। बाय बाय, मिलते हैं कुछ देर के बाद अगली क्लास में। अभी इसमें थोड़ा सा बचा हुआ सेक्शन है वो कराएंगे, फिर अगला चैप्टर ऐसे करके कराएंगे, उसको पहले टेलीग्राम पे डाल दिया जाता है कौन सा चैप्टर अगले दिन आपको पढ़ाया जाएगा। बाय बाय।